हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कोची रिमाइंडर इक्वेशन कैसे प्रूफ किया जाता है बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर कोची रीमन इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म में नहीं पता तो भी उसे आप पहले देख लीजिएगा। कार्टिजन फॉर्म के बारे में भी मैंने बना रखी वीडियो, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जब भी हमें पोलर फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म में लाना का मतलब है हमारे जो रिलेशन उनको कन्वर्ट करके हमें आर और थीटा में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें एक्स के प्लेस पर क्या रखना होता है, आर कॉस थीटा, और वाई के प्लेस पर रखना होता है आर साइन थीटा, है ना। तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा और बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इनटू में 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वेशन 1। और जब इसको हम इस वाले से डिवाइड करेंगे यानी कि वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट, यानी कि थीटा बराबर क्या जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स के सापेक्ष जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट हो तो जीरो हो जाएगा, और आर स्क्वायर का क्या होगा टू आर, और आर का क्या हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स। तो हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है आर कॉस थीटा, नीचे आर, आर से आर कैंसिल, तो यानी कि डेल आर ओवर डेल एक्स क्या आ गया कॉस थीटा। कार्टिजन से हमने पोलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार जब हम डेल आर अपॉन डेल वाई भी करेंगे ना तो हमारा वाई अपॉन आर आएगा, और वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल साइन थीटा। ओके, तो ये अभी इसका यूज़ करेंगे हम। फिर हमारे पास देखिए क्या था, टेन और थीटा बराबर था हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, है ना। तो थीटा का जब एक्स के छापे जब करेंगे तो क्या जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और वाई अपॉन एक्स का दोबारा से हो जाएगा वाई कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक बट एक्स का, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू क्या है माइनस आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आर स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली जब हम डेल थीटा ऊपर डेल वाई करेंगे ना कैलकुलेट तो हमें कॉस थीटा अपॉन आर मिलेगा। कैसे अगर मैं बताऊँ तो मैंने वो भी करते दिखाया, थीटा ये होगा वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लस वाई अपॉन एक्स है, और वाई अपॉन एक्स का दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, यहाँ से कट के हमें क्या दे देगा कॉस थीटा अपॉन आर, वही मैंने यहाँ लिखा था। अब ये चीज़ें जो भी हमें मिली हैं इन सब का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें जो कार्टिजन फॉर्म होता है ना, हम क्या जानते हैं कर्ली यू अपॉन कर्ली एक्स किसके बराबर होता है कर्ली वी ओवर कर्ली वाई, इन सभी रिलेशंस का हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है, उनके बिना हम इसे प्रूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कर्ली यू और कर्ली एक्स है, और इस अब इस इक्वेशन को, ठीक है, वेक्टर जो हमारे वेक्टर के बारे में अगर हम जानते हैं तो इसे अगर आर और थीटा के रूप में लिख सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, कैसे कर्ली यू ओवर कर्ली एक्स, यहाँ से डेल आर से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई प्लस कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा इंटू कर्ली थीटा ओवर कर्ली एक्स, ठीक है, इसको लिखने का ये फॉर्मूला हुआ। अब हमें डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू पता है वो हमने यहाँ रख दी, डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू पता है वो हमने यहाँ रख दी, पीछे से वैल्यू अभी जो हमने की निकाला है ना वही हमने रख दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा दीजिए इक्वेशन नंबर ए मान लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्ली यू ओवर कर्ली वाई, जो कि होगा कर्ली यू ओवर कर्ली आर ओवर कर्ली वाई प्लस कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा ओवर कर्ली वाई। कर्ली आर ओवर कर्ली वाई हमारे पास साइन थीटा है, कर्ली थीटा ओवर कर्ली वाई हमारे पास कॉस थीटा अपॉन आर है, पीछे अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था ये क्वेश्चन बी हो गया। अब कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स
वो हो जाएगा कर्ली वी अपॉन कर्ली आर इंटू कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स, ये फॉर्मूला हुआ डेल वी ओवर डेल थीटा और डेल थीटा ओवर डेल एक्स, इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पीछे से उठा के रख दी यहाँ पर। सिमिलरली कर्ली वी ओवर कर्ली वाई भी निकाल देंगे, ये फार्मूला हुआ, ये वैल्यूज ये वैल्यूज हमें पता है वो हमने रख दी। इसे हम इन सभी इक्वेशन को मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अब हम जो हम पोलर फॉर्म में हमारे पास जो कौची रीमैन इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कौची रीमैन इक्वेशन जो होती है वो होती है कर्ली यू ओवर कर्ली एक्स किसके बराबर होती है, कर्ली वी ओवर कर्ली वाई के, और कर्ली यू ओवर कर्ली वाई माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स के होते हैं। यानी कि हमारा जो इक्वेशन ए और इक्वेशन डी है वो आपस में बराबर होंगे और इक्वेशन बी और इक्वेशन सी आपस में बराबर होंगे, सामने यहाँ माइनस लग जाएगा बस। ओके, तो पहला रिलेशन लेते हैं, इक्वेशन ए और बी को और डी को बराबर रखते हैं, ये इक्वेशन ए है ये इक्वेशन बी है, कंपेयर कर दिया, ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया, और फिर इक्वेशन बी और इक्वेशन सी आपस में बराबर है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हमें मिल गया। बस ये ध्यान रखना है माइनस सामने से मल्टीप्लाई होगी, वो भी मैंने यहाँ पर साथ ही साथ एक ही स्टेप में कर दिया है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर दो इक्वेशन आई हैं अगर आप एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पोलर फॉर्म के आपके दो रिजल्ट होते हैं, जब आप डिफरेंशिएट आर के सापेक्ष करेंगे और जब डिफरेंशिएट आप थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो इस हिसाब से आपको दो ऑपरेशन दो रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ दो इक्वेशन है, आपको दो तरीके के ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एक बार प्लस करना पड़ेगा और एक बार माइनस, कैसे ये देखिए। सबसे पहले क्या करना होगा, जो इक्वेशन ये थर्ड है इस पर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी कॉस थीटा से पूरे में, और इक्वेशन फोर्थ जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें साइन थीटा से। इक्वेशन थर्ड को कॉस थीटा से, इक्वेशन फोर्थ को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जोड़ देना है। तो देखिए मैंने वो काम करके दिखाए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले मैंने यहाँ पर देखिए इक्वेशन थर्ड के लेफ्ट वाले किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा से, तो ये कॉस स्क्वायर देना, ये इस थर्ड इक्वेशन का ये लेफ्ट टर्म है, और ये फोर्थ इक्वेशन ये है इसका प्लस ये लेफ्ट टर्म है, इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू इस वाले में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना राइट टर्म में, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ता है राइट वाला राइट में जुड़ता है, तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है मल्टीप्लाई करके साथ ही साथ में ऐड भी कर दिया। अब ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन लेके, कुछ बचेगा तो वो बचेगा ये आपका, जब आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा कर्ली यू ओवर कर्ली आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर कर्ली वी ओवर कर्ली थीटा, ये बचेगा आपका जब इसे आप कट पिट के सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया, इक्वेशन फाइव मान ली। अब क्या करना है, दूसरा रिलेशन हमको ये करना है, पहली बार हमने क्या किया था कि इक्वेशन थर्ड को हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया था, अब की बात इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरे वाले इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और चौथे वाले इक्वेशन को कॉस थीटा से, और फिर अब की बार कर देंगे सबट्रैक्ट, पहले बार एडिशन किया था अब की बार क्या कर देंगे घटा देंगे, और फिर वैसे ही प्रोसेस आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, जब आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो कट पिट के आपका यही बचेगा वन अपॉन आर कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस आर कर्ली वी ओवर कर्ली आर। तो ये दो रिलेशन है आपके, इसे इक्वेशन सिक्स मान लीजिए। तो ये पोलर फॉर्म होता है, यानी कि जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगी पोलर फॉर्म में वो होगी कर्ली यू ओवर कर्ली आर किसके बराबर होता है, वन अपॉन आर कर्ली वी ओवर कर्ली थीटा, और जो दूसरा रिजल्ट होता है वो होता है कर्ली यू ओवर कर्ली थीटा बराबर किसके होता है, माइनस आर कर्ली वी ओवर कर्ली आर, ठीक है, ये पोलर फॉर्म में आपके रिजल्ट हुए। तो आई होप ये आप चीज़ आपको समझ में ज़रूर आई होगी, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें ज़रूर, अपने फीडबैक ज़रूर रखें इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कोई सुझाव है उसे भी रखें, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और मुझे आपका सपोर्ट। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।